नमस्कार। तुलसीदास द्वारा लिखे रामचरितमानस के बालकांड को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और लक्ष्मण ने भी जितने भी राक्षस समूह थे उनका वध किया। अब अगले दिन सुबह विश्वामित्र ने श्री राम से क्या कहा, तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब मुनि सादर कहा बुझाई। फिर मुनि विश्वामित्र ने आदर पूर्वक श्री राम से कहा कि चरित एक प्रभु देख ही जाही। अब राक्षसों का तो वध हो गया, अब एक बहुत बड़ा चरित्र, एक बहुत बड़ा प्रसंग आयोजन हम देखने चलेंगे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ की रखा है, तो उसको सुनकर हर्षि चले मुनिवर के साथा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों बहुत खुश हुए और हंसते हुए वो आगे विश्वामित्र जी के साथ चले। अब वो जब आगे जा रहे थे तो तरह तरह बार बार कभी कोई आश्रम आता था रास्ते में, कभी कोई। अब एक आश्रम जब आया तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि आश्रम एक दीक मग माही। रास्ते में श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने एक आश्रम को देखा। उस आश्रम में क्या था, खग मृग जीव जंतु तही नाही। अब जंगल में आश्रम बने हैं जहां विविध प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, लेकिन उस आश्रम के चारों तरफ कोई भी ना पशु था, ना पक्षी था, ना कोई जीव जंतु थे, ना कोई हरियाली थी, मात्र एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। पूछा मुनि मिला प्रभु देखी। जब वहां पर एक शिला देखी श्री राम ने, उस शिला को देखकर मुनि से प्रभु श्री राम ने पूछा, सकल कथा मुनि कहा विशेषा। जब विश्वामित्र ने श्री राम की ये लालसा जानी कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस ये आश्रम इस प्रकार से उजड़ा हुआ सा क्यों है, तो विश्वामित्र ने अहिल्या की वो सारी कथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु राम, ये आश्रम गौतम ऋषि का और अहिल्या का था। यहाँ पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ विधाता का विधान इस प्रकार से रहा कि आज ये आश्रम इस प्रकार से निर्जीव पड़ा है। श्री राम ने उनसे पूछा कि मुझे वो कथा बताइए कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए, हर किसी घटना के घटने का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, चाहे वो अच्छी घटना है या कोई ऐसी घटना है जो बड़ी अप्रिय है, कारण तो होता ही है। तब विश्वामित्र ने बताया कि अहिल्या जो थी वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, और कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, बिल्कुल तेजस्वी, स्वर्ण की प्रतिमा के समान लगा करती थी कि स्वर्ग लोक के जितने भी देव थे, राख और ये थे सारे जितने भी देवता लोग थे और गंधर्व थे, वो सभी चाहते थे कि अहिल्या का विवाह हमारे साथ हो जाए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं किसको प्रसन्न करूं, किसको नाराज करूं, कैसे करूं इनका विवाह। तो उनको एक युक्ति समझ में आई कि क्यों ना मैं इनका स्वयंवर रख दूं और एक शर्त रख देता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो जो इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे महल में आएगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह करूंगा। सभी देव जो थे वो अपने अपने वाहनों पर उस परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। उसमें इंद्र भी थे और भी कई देव थे। उन्हीं के साथ एक बड़े भारी तपस्वी थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि के पास तो कोई वाहन था ही नहीं, तो तपस्वी थे, पैदल चला करते थे, लेकिन अपने तेज के बल से, अपनी साधना के बल से ये बहुत तीव्र गति से चलते हुए उस परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय है जिसको बच्चा होने वाला है, वो प्रसव की पीड़ा से कराह रही है, और उसके सामने एक भेड़िया और सियार खड़ा है, मानो वो प्रतीक्षा में है कि जैसे ही इसका बछड़ा या बच्चिया पैदा होगी हम उसको खा जाएंगे। जब सभी देव आगे निकल गए उसे देखकर, लेकिन जो गौतम ऋषि थे उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ और उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना परिक्रमा के लिए, मैं तो इस गाय की रक्षा करूंगा। उन्होंने वहां रुक कर उसको प्रसव में सहायता की और जब उसका बच्चा पैदा हो गया, उसको ठीक ठाक वो हो गई, उसके बाद वो वापस आए ये सोचकर कि अब तो स्वयंवर तो शायद हो ही चुका हो, चलो मैं चलकर देखता हूँ कि अहिल्या की का विवाह किस देवता से हुआ। अब जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वयंवर
की प्रथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र जो थे वो राजमहल में वापस आए थे। तो जाहिर है कि अब इंद्र के साथ ही अहिल्या का विवाह होगा। लेकिन इसी बीच जब अभी सभी तैयारियां ही हो रही थी, अभी वरमाला नहीं पहनाई गई थी, इसी बीच नारद मुनि आए। नारद मुनि ने ये सारा दृष्टांत देखा था कि किस प्रकार से किसी भी देव ने उस गाय की रक्षा नहीं की थी, केवल गौतम ऋषि ने की थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने जो शर्त रखी वो बिल्कुल एक तरफा रखी, उसमें कोई भी मानवीय भावनाओं का, संवेदनाओं को देखने पहचानने का कोई भी कारण आपने नहीं रखा, तो इस प्रकार की शर्त से क्या लाभ हुआ। फिर उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि मार्ग में सभी वापस आ गए थे, अपनी यात्रा पे आगे बढ़ते गए थे, किंतु गौतम ऋषि ने उनकी सहायता की थी। और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं चाहता हूँ कि आप अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कीजिए, क्योंकि ये एक दयालु सहृदय हैं, तपस्वी तो हैं ही, तेजस्वी भी हैं ही, लेकिन उसके साथ ही साथ इनके हृदय में दर्द है, दया है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ही मुझे अपनी भगिनी अहिल्या का विवाह करना हमारे लिए उचित होगा। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और कहते हैं कि अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो गया। अब इंद्र की बहुत टाइम से इच्छा थी कि उनका विवाह अहिल्या से होगा, और उस दिन तो होने ही जा रहा था। जब होते होते उनका विवाह अहिल्या से नहीं हुआ तो उनके अंदर बहुत क्रोध और कुंठा भी पैदा हुई, और वो सोचने लगे कि आखिर ये ब्रह्मचारी क्या करेगा, इतनी सुंदर नारी के साथ इसका विवाह हो गया, इसको तो मुझे इंद्रलोक में लाना था। वो बहुत दिन तक बहुत परेशान रहे। फिर एक दिन कहते हैं कि इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि इस प्रकार से ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ है और मुझे किसी भी तरह से एक बार अहिल्या से मिलने जाना है, मेरे अंदर काम भावना बहुत तीव्र हो रही है, मुझे किसी प्रकार से एक बार उससे मिलवा दो। चंद्रमा ने कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता करता हूँ। उनको उसको इंद्र को युक्ति सिखाई कि तुम ऐसा करना कि तुम मुर्गा बन जाना और सुबह सुबह वहाँ पर तुम उनके आश्रम में बांग देना और मैं अपनी ज्योति को मध्यम कर दूंगा। क्यों कहा उसने? क्योंकि गौतम ऋषि मुर्गे की बांग सुनकर प्रतिदिन अपने वस्त्र लेकर गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे। उसको ये बात, इंद्र को ये युक्ति समझ आ गई। तो जैसे ही गौतम ऋषि चले गए तो उसने मुर्गा बनकर बांग दी और चंद्रमा ने अपनी रोशनी कम कर दी। और जब वो चले गए तो एकदम से उसके बाद इंद्र जो थे वो अपने गौतम ऋषि के रूप में उन्होंने वेश धारण किया और कुटिया के अंदर प्रवेश कर लिया। अब अहिल्या जो थी उन्होंने सोचा कि शायद ऋषिवर जो हैं आज वापस जल्दी आ गए हैं और जो भी मुझसे चाह रहे हैं मैं इनकी इच्छा को पूरा कर देती हूँ। उन्होंने भी अपने आप को समर्पित कर दिया। अब जब इंद्र इस प्रकार से समागम करके अहिल्या के साथ वापस निकल रहे थे कुटिया से बाहर, इतनी देर में गौतम ऋषि ने प्रवेश किया। और जब उन्होंने देखा कि मेरे ही वेश में, मेरे ही रूप धर कर ये इंद्र यहाँ पर है, वो तो तेजस्वी थे ना, बहुत पहुंचे हुए तपस्वी थे, वो समझ गए कि ये ऋषि, ये इंद्र की चाल है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया। और उन्हीं को ही श्राप नहीं दिया, कहते हैं उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया कि तुमने कैसे इंद्र को नहीं पहचाना कि ये वास्तव में मैं नहीं हूं, मेरे वेश में ये इंद्र है, और तुमने इसके साथ किस प्रकार से साहचर्य कर लिया, समागम कर लिया। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की शिला बन जाओगी। अहिल्या जो थी बिल्कुल कांप गई और उन्होंने बड़ी समझदारी से ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आप भी नहीं पहचान पाए थे जब इंद्र ने मुर्गे के रूप में बांग दी थी, तो आपको भी ये लगा था कि शायद ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो गया है और आप चले गए थे स्नान के लिए, जबकि आपकी तो दृष्टि मुझसे कहीं ज्यादा ऊंची है, आप तो अतीत वर्तमान भविष्य सबको समझ सकते हैं। जब आप ही की बुद्धि भ्रष्ट हो, आपकी बुद्धि उस चीज को नहीं पहचान पाई, तो मैं तो एक साधारण नारी ही हूं, मेरे पास तो इतना तेज और ज्ञान भी नहीं था, मुझे लगा कि ये शायद आप ही हैं, आपने इतना बड़ा श्राप मुझे दे दिया।
अब गौतम ऋषि ने कहा कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन तो अब अधूरा नहीं रहेगा या असत्य नहीं होगा, किंतु हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने भी तो गलत समझ लिया, तुम्हारी भी ये ना समझी रही, अब मैं क्या करूँ। किसी तरह से अब मैं तुम्हारे इस शाप से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब विष्णु भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वो इस आश्रम में आएंगे तो उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से तुम पुनः नारी बन जाओगी और फिर तुम मेरे पास वापस आ जाना। तब से फिर विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि हे प्रभु, तब से ये नारी ये जो है इस प्रकार से पत्थर की शिला के रूप में है, अब आपके चरण रज की स्पर्श से ये पुनः अहिल्या बन पाएगी। पूछा मुनहि मिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। इस प्रकार से विशेष रूप से उन्होंने उनको पूरी कथा सुनाई। आप तुलसीदास लिखते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपह दिए धरि धीर, वहां पर एक पत्थर की शिला के रूप में धैर्य धारण किए पड़ी हुई थी। चरण कमल रज चाहती, वो क्या चाहती थी, प्रभु श्री राम के कमल रूपी चरणों की रज, रज माने धूल के कण चाहती थी। कृपा करहु रघुबीर, और मन में कामना कर रही थी कि हे प्रभु राम, तुम यहाँ तक आ पहुँचे हो, अपने चरण रज से मेरा उद्धार कर दो। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहानी उनको सुनाई। श्री राम ने तुरंत अपने चरण रज के स्पर्श से उनको पुनः नारी के रूप में वो परिवर्तित हो गई। उन्होंने बहुत प्रकार से, फिर कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है कि उन्होंने बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम को का आभार प्रकट किया, उनकी तरह तरह से वंदना की, पूजा प्रार्थना की और कहा कि मेरे अहो भाग्य हैं कि आप मुझे इस रूप में आज मैं आपके दर्शन कर पाई। तो ये थी वो अहिल्या की करुण कथा। लेकिन जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमारे मन में ये भावना आती है, देखिए इस कथा के तीन प्रमुख पात्र हैं, एक तो है इंद्र, दूसरे हैं गौतम ऋषि और तीसरी है अहिल्या। इंद्र ने यदि उसके अंदर इतनी लोलुपता ना होती, अहिल्या को किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की इतनी तीव्र उत्कंठा ना होती तो ये पूरा घटनाक्रम ना होता। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी कुछ हमारे पास है उसकी वृद्धि अवश्य कीजिए, लेकिन ईर्ष्यावश सबका हिस्सा मैं ही प्राप्त कर पाऊं ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की कामनाएं जो हैं वो मनुष्य को बुराई ही देती हैं, अच्छाई नहीं देती। तो हमें अपने मार्ग पर सच्चाई से चलना चाहिए। दूसरी गौतम ऋषि हैं इसके प्रमुख सदस्य। गौतम ऋषि ने तपस्वी हैं वो, क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने इस प्रकार से उनको शाप दे दिया। यदि क्रोध क्या करता है, क्रोध हमेशा विनाश का कारण बनता है, चाहे वो हमारा मनुष्य मात्र के भीतर क्रोध हो या किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर हो, ऋषि मुनियों में तपस्वियों में भी क्यों ना क्रोध हो। तो क्रोध का कारण क्या बना कि अहिल्या जो थी वो पत्थर की शिला बन गई। तो इस प्रकार से क्रोध पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। क्रोध हमें तभी करना चाहिए जब उपयुक्त हो, अनावश्यक क्रोध करने से हमेशा विनाश ही होता है। तीसरा अहिल्या, अहिल्या ने अनजाने में उनसे ये गलती हुई थी। कभी कभी अनजाने में की गई गलती भी हमारे लिए बहुत बड़ा दोष का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अनजाने में भी करी गई गलती हमारे लिए बड़ा मुसीबत का कारण ना बने, इसलिए हम बहुत सोच समझ कर ही आगे कदम उठाएं। तो ये थी वो अहिल्या की दारुण कथा, जो हम आज अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले उसमें हम स्वयंवर की पूरी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से श्री राम स्वयंवर के लिए राजा जनक के महल में जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।